नमस्कार, मैं राघवेंद्र शुक्ला नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए। हम इस समय हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर में हैं। गढ़मुक्तेश्वर के लिए कहा जाता है कि गढ़ानाम मुक्तिदानेन गढ़मुक्तेश्वर स्मृतम, मतलब कि जहां पर शिवगणों को मुक्ति का दान दिया गया था वो गढ़मुक्तेश्वर है। यहां विधानसभा चुनाव का जायजा लेने के लिए हम लोग किस पार्टी की ओर, किसको मुक्ति देने का काम किया जाएगा, किसको सरकार में बिठाने का काम किया जाएगा, इन सारी चीज़ों का जायजा लेने के लिए हम यहाँ पर हैं। और यहाँ मंदिर के आसपास जो दुकानें बनी हुई हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो उनका रुझान किस तरफ है और वो किसको वोट देने के लिए मन बना रहे हैं। हमारे साथ हैं, नाम बताइए अपना। हितेंद्र। हितेंद्र हैं, और किसको वोट दे रहे हैं इस बार? योगी जी को देंगे। योगी जी को दे रहे हैं, क्यों? काम अच्छा करा है उन्होंने। क्या क्या काम किया बताइए, पांच काम बताइए जो योगी जी ने किया। बिजली अच्छी आ रही है। बिजली अच्छी आ रही है, ठीक। और कोरोना के बाद जो काम खराब हो गया था, तो राशन मिल रहा है फ्री, गरीब राशन मिल रहा है फ्री। फिर और शासन व्यवस्था बढ़िया है। शासन व्यवस्था बढ़िया है जी। अच्छा, ठीक है, तीन हो गए। इसके अलावा रोड बननी है? नहीं, रोड बननी है। हाँ, अच्छा, 10-20 साल। अच्छा, ये कोरोना के समय में जी बड़ी तबाही भी मची थी यहाँ पे। बहुत सवाल उठे थे कि ऑक्सीजन की कमी है हॉस्पिटलों में, योगी सरकार कुछ नहीं कर रही है, मंत्री फोन नहीं उठा रहे हैं, तो ऐसी सरकार को वोट देने का क्या फायदा जो लोगों की जान न बचा पाए? सर, बीमार ज्यादा होंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो व्यवस्था सरकार को करनी है ना। हाँ, बिल्कुल। तो वह सरकार ने व्यवस्था नहीं की, फिर उसको वोट देने का क्या मतलब है? नहीं, हो जाता, महामारी थी। महामारी थी तो ऐसे में ही तो सरकार की जरूरत पड़ती है। वो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम होते तो बहुत अच्छी तरह से संभाल लेते। नहीं, बीच में कुछ दिक्कत हुई थी, बाद में सब सही हो गया था। सब सही हो गया? हाँ जी, अभी सब सही है। हाँ, अभी हाँ, तो सही है, अभी सब सही है। बिजली पानी सब कुछ आपको ठीक ठाक? सब बढ़िया है। अच्छा, और ये किसान कानून वाला भी जो मामला हुआ था अभी, कृषि कानून वाला, वो आपको पता है? तो उस पर बड़ा इन लोगों ने वो किया था, किसानों को कहा था कि देशद्रोही हैं, और इनके खिलाफ शिक्षकों ने भी प्रदर्शन किया था योगी जी के खिलाफ, स्टूडेंट्स भी प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ, किसानों ने भी उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। जब सब लोग उनसे नाराज हैं तो आप इतने खुश क्यों हैं कि उनको वोट देंगे? नहीं, आंदोलन कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो आंदोलन करने भी तो नहीं दे रहे हैं वो, जो आंदोलन कर रहा है उसको कह रहे हैं कि वो देशद्रोही है। तो बिल वापस ले लिया ना? हाँ, बिल वापस हो गया है। बिल वापस मान ली। जब बिल वापस क्यों किया, जब वो कह रहे थे कि अच्छा है तो बिल वापस किया क्यों? ये सब किसानों के हित में था वो भी। हाँ, क्यों? किसानों के हित में था वो भी। MSP ला रहे थे, रेट बढ़िया मिलता। MSP कहते हुए झगड़ा था, कह रहे थे कि MSP नहीं है, MSP ले आइए। नहीं, ऐसा नहीं था। तो क्या सोच के योगी को वोट दे रहे हैं? इतनी सारी कमियां तो हमने बता दी, अब इसके बाद भी अगर आप क्या सोच रहे हैं बताइए। देखो, ऑक्सीजन वाली आपने बात बताई तो महामारी एक साथ आई थी, नई व्यवस्था थी। और भी राज्यों में महामारी थी, वहाँ तो ठीक ठाक व्यवस्था रही, उत्तर प्रदेश में गड़बड़ हो गई। अखिलेश यादव को वोट देंगे। अखिलेश यादव को दे रहे हैं? ये नुकसान इतना है सरकार में। चेहरा दिखाएंगे अपना? अखिलेश भी देखें कम से कम कौन वोट दे रहा है उनको। हम देंगे। दे रहे हैं अखिलेश को? क्यों? योगी जी, नुकसान बहुत है सरकार में। इस सरकार में जी क्या क्या नुकसान हो गया? हमारा नुकसान इतना है, गाय बिजार इतने हो गए हैं। अच्छा, काफी बिजार हो गए, काफी गाय हो गए। हाँ जी, खेत है। क्या बोया उसमें? गन्ना है, गेहूँ है, कुछ नहीं छोड़ते। कुछ नहीं छोड़ा है? गन्ना गेहूँ सब गाय बिजार खा गए। तो क्या उस योगी सरकार उसमें क्या कर सकती थी वो बताइए? गौशालाएं हैं आसपास? गौशाला काफी है। हाँ, छोड़ा है गौशालों में बंद करके। तो योगी जी ने रात को तो भाई साहब कह रहे थे कि योगी जी राशन दे रहे थे कोरोना के समय में, तीन अभी महीने में दो बार मिलता है राशन। हमें राशन मिलता है ना? आपको नहीं मिलता है? जमीन है तुम पर, ये है वो है। अच्छा, नहीं मिलता है? नहीं, तो जमीन है आपके यहाँ तो आपके क्यों राशन मिले बताइए? राशन गरीबों के लिए है ना वो? राशन तो सभी को मिला, लॉकडाउन सबको मिला है जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? लोकेश। लोकेश, कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, तो अखिलेश में क्या ऐसा अच्छा लगा? दो तीन अच्छाई बताइए कि अखिलेश मुख्यमंत्री बना। अखिलेश में सब अच्छा, अखिलेश में एक गलती ही, उनकी सरकार में मुसलमानों को बढ़ावा मिलता था। उनकी सरकार में जी, बस यही गलती ही, अन्य और कोई गलती? हवा मिलता था मतलब, यानी कि मुसलमान बदतमीजी कहते थे। अच्छा, माँ बहनों को छेड़ते थे। हाँ, लोंडियों को परेशान करते थे। तो ये आप, ये बदतमीजी आपके इलाके में ऐसा होता था? हाँ, आपके आँख के सामने हुआ है कभी ऐसा? आँखों के सामने तो नहीं हुआ। तो किससे सुना आपने ये? बहुत सुना है, अखबारों में, पेपरों में आई है। अच्छा, अब भी होता है? अब तो नहीं होता, अब योगी सरकार में नहीं होता है। अच्छा, आप मान लीजिए मुसलमान नहीं, हिंदू परेशान कर रहे हो तो इस समय? नहीं, हिंदू परेशान नहीं, नहीं, नहीं। तो ये इतने अच्छे हैं अगर योगी जी की, अगर इस सब पर भी हैं तो उनको वोट क्यों नहीं दे रहे? अखिलेश को दे रहे हैं? तुलसी बात होगी तो इसलिए वोट देंगे। जो है ये नुकसान
हो रहा है इस सरकार में किसानों का बहुत। अच्छा। डीजल महंगा होगा, 100 रुपए लीटर डीजल होगा। अच्छा। क्या तो पानी लगा ले, क्या बाइक चला ले, 110 को पेट्रोल होगा, सिलेंडर महंगा हो गया, बताओ क्या करेंगे। योगी जी की सरकार में पेट्रोल महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया, गाय बिजार परेशान कर रहे हैं, खेत चर जा रहे हैं। ऐसा है, योगी जी के हाथ के नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की कहानी है ये। अच्छा। पेट्रोल डीजल महंगा होना तो सेंट्रल गवर्नमेंट। और दूसरी बात, बीजेपी ने बहुत कार्य कर रहा है। क्या क्या कार्य कर रहा है बताइए? काफी कार्य कर रहा है, आप रोड देख लो, सुरक्षा देख लो। सुरक्षा किसकी? सुरक्षा लेडीजों की, आदमियों की। आदमी लूट जाता था निकलते ही, तो अभी हम तो अखबार पढ़ते हैं, अभी तो लूट नहीं लूट जाते हैं और सब चीजें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो विपक्ष चलाता है। तो पुलिस भी हत्या कर दे रही है कई बार, कोई लूट नहीं हो रही, खूब बढ़िया सुरक्षा मिल रही है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सुरक्षा लोगे, खेत है और है? खेत है? नो, खेत नहीं है नहीं। दुकानदार, इसीलिए सब अच्छा लग रहा है। जिनके पास खेत है वो परेशान है, कह रहे हैं गाय बिचार खेत चर जा रहे हैं हमारे। दुकानदार आदमी हम तो जी, तो दुकानदार लोग बढ़िया है, परेशान है व्यापारी, कह रहे हैं कोई परेशान नहीं है, कोई परेशान नहीं है, सुविधा ले रहा है आदमी तो परेशानी। क्या सुविधा? क्यों नहीं सुविधा बताइए? सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, आप दुकान खोल के बैठे हो, पता लगी निकलते ही लूट लिया, उससे सुरक्षा मिल गई, उससे ज्यादा सबसे बढ़िया बात है। तो अब लूट नहीं होती है? नहीं, अखबार पढ़ते हैं आप? नहीं, अखबार पढ़ते ही नहीं हम। निकलो तो कैसे पता चलेगा कि लूट हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं, अपने सही मान के बैठ गए। हाय हाय, क्यों झूठ बोल रहे हो? क्या कह रहे थे कि योगी सरकार में, मोदी सरकार में पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, और अभी जो है खेत वेत चर जा रहे हैं गाय, महंगाई खूब बड़ी है, नौकरी नहीं मिल रही है, सुरक्षा ठीक है, वो कह रहे थे सुरक्षा ठीक है। ठीक, सुरक्षा ही तो ठीक है बस, केवल और तो सब कुछ बेकार है, सब बेकार है। और क्या चीज है बताइए आप? नौकरी, बेरोजगार बालक फिर रहे हैं जितने भी हैं सारे। आज से पहले सारे बेरोजगार बच्चे, इनको बोलने दीजिए, सुने अरे इनको, अभी आज से पहले ये कमिश्नर थे, अभी आप बोलिए। मोदी की सरकार आई तो ये छीन ली गई। नहीं, हम तो नहीं थे, आज के बेरोजगार फिर रहे हैं ना लोग। बेरोजगारी चरम सीमा पे, बेरोजगार बच्चे आज भी जो पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, सब आज बेकार है। नौकरियां कितनी निकली है? बहुत कम नौकरियां निकाली गई, बिल्कुल ही बहुत कम नौकरी तो है ना। और उसके बाद डीजल पेट्रोल ये तो आप बता ही रहे हैं, लोग बात तो इनके एक जगह हम बात कर रहे थे, तो वो कह रहे भाई साहब कि योगी सरकार में खूब नौकरी मिली, हमको क्या नौकरी मिली? कह रहे हैं कि लोग गाय बिजार हाँक रहे हैं। वो तो हाँक ही रहे हैं, गाय बिजार ही हाँक रहे हैं, और क्या, खेतों में गाय बिजार हाँक रहे हैं, और गायों को दाल खिलाने पर ऐसा गौशाला खोल रखी है, वो भी आधा दूध भर के ले जाते हैं। दूध पियोगे और छोड़ोगे? दूध पी के छोड़ना नहीं है, दूध पी के खाएंगे तो है ही, ये तो दूध का मजा ले लो फिर छोड़ने का मजा ले लो। और एक जगह और बात कर रहे थे, वो कहे कि समाजवादी पार्टी की सरकार होगी तो सब गाय वाय कट जाएंगी। नहीं, वो तो कहने वाली बात है, ये तो कहने वाली बात। पहले बीजेपी की सरकार नहीं आई थी? पहले भी तो एक बार बीजेपी की सरकार आई थी, जब तो ऐसा नहीं हुआ था, मायावती के साथ में बीजेपी की सरकार आई थी, नहीं आई थी जब, पहले ऐसा हुआ था, कुछ ऐसा नहीं हो। ये आप मान रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, बाकी सब खराब है? हाँ, सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, लेकिन हाँ, राशन भी तो मिल रहा है, फ्री राशन, राशन फ्री ले रहे हैं, हमारा हमारी एजेंसी जा रहा है वो, और क्या जा रहा है, राशन फ्री जरूर दे रहे हैं, जा तो हमारे पास से रहा है वो, हम पे हर एक चीज का टैक्स लग रहा है, हर चीज का वो लग रहा है, बिना बात के जरासी टैक्स तो हर चीज का जरासी बाहर है, कभी अब तक चालान नहीं कटे, हर तीसरे महीने चालान कट रहे हैं, हर तीसरे महीने चालान कट रहे हैं, 100-200 रुपए के, 200-200 रुपए के। अच्छा। हाँ, 500 रुपए का चालान कटता है, 200 रुपए दे। इतना काम भी तो हो रहा है, सड़क बन रही है, वो तो अखिलेश सरकार की तो उन्हें पूर्ति कर रही है, अपनी नया सिरे से स्टार्ट क्या बताएंगे, नए सिरे अखिलेश बनवाए ने, अखिलेश की जो रणनीति निकाल गए थे उन्हें तो आगे बढ़ाया ना। मंदिर तो नहीं अखिलेश बनवाए थे? मंदिर तो बनवाना था इनको, इसके आधार पर जो सरकार आई है, इसको तो बनवाना ही बनवाना था, अब कहीं नहीं बनवा रहे तो अब तो बिल्कुल पट्टादार हो जाता। और भी कह रहे हैं 18-18 घंटे बिजली गांव में दे रहे हैं हम। नहीं, बिजली दे रहे हैं उतने ही चौक ने बिल आ रहे हैं, डबल बिजली के बिल हो रहे हैं। पहले बिल जो 500 रुपए का होता था, सीधा 1200 रुपए का, 800 रुपए का हो रहा है। तो वो सब तो देश के विकास में नहीं, देश के विकास में लग रहा है, लेकिन लग तो रहा है, या तो सब हमारी उससे रहा है, फ्री राशन एक बार फ्री दे रहे हैं, दूसरे हमारी जेब से निकाल रहे हैं। अखिलेश क्या करते बताइए तो? अखिलेश ने विकास नहीं करा, अखिलेश तो विकास की रणनीति, विकास के प्रभुते भी उसके अलग से होना था, विकास किया होता तो जीते नहीं। इतनी लहर थी, मोदी लहर, योगी लहर तो बाद में आई, पहले मोदी लहर थी। आप लहर में थे कि नहीं? बीजेपी वोट दिया था? नहीं, उस टाइम तो हम कहे, मैं तो ठेठ राष्ट्रीय लोकदल का आदमी हूँ, राष्ट्रीय लोकदल नगरा तक चू यहाँ से मैं। अच्छा, मैं राष्ट्रीय लोकदल से नगरा तक, श्याम सिंह मेरा नाम है, इसीलिए मोदी जी ने पहले से 20 साल से हूँ मैं, इस 20 साल से लगभग इसी राष्ट्रीय लोकदल में हूँ। अच्छा,
भैया इनकी बात में कहना चाहूँ, यहाँ अखिलेश की सरकार थी, बीच चौरा यूरा हमारे जंगल में सरेआम वो काट रहे थे, छोड़ दिया गया सरकार, तो अखिलेश की थी सरकार, तो अखिलेश की थी, सरेआम काट रहे थे यही, यहाँ से हमारे 10 कदम दूर ही है, अच्छा जंगल में पकड़ के ले गए और छोड़ दिया गया उन्हें, छोड़ दिया गया। हाँ जी, अच्छा बताइए, विजार काट दिए, ये कहीं तो है, कोई सबूत तो दे, नहीं कोई सबूत नहीं, यहाँ तो कोई कटाई नहीं, यहाँ तो केवल खाल निकालने वाले आते थे, खाल निकालते थे वो, काटते नहीं थे। संजय कुमार यादव किसको वोट दे रहे हैं इस बार? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों दे रहे हैं? अभी तो पता नहीं कितनी बुराइयां गिना दी है योगी सरकार की, कह रहे खाली सुरक्षा व्यवस्था ठीक है, कोई भी काम बीजेपी में गलत नहीं हुआ है। अच्छा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था चाहिए, और राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए मजबूत करनी है तो बीजेपी के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदुओं के लिए क्या सभी के लिए कोई सरकार गवर्नमेंट आई है तो केवल बीजेपी आई। मैं बेशक यादव हूँ, पर मैंने भी खूब सोच समझ करके आपके सामने बोल रहा हूँ, कई बार बोला भी है। दूसरी बात, आप भी किसी पार्टी का अध्यक्ष हैं क्या? जिला अध्यक्ष, मैं तो साधारण मजदूर आदमी हूँ, मजदूर आदमी क्या करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब मजदूरी है आपकी, मैं दूध बेच के अपने बच्चों को। अच्छा अच्छा, हाँ बताइए। दूसरी बात, साहित्य का आपको ज्ञान है या नहीं है? कितने पढ़े लिखे, कितने एजुकेशन है आपकी मुझे पता नहीं। मैंने बी एस सी कर रखी है। अच्छा, बी एस सी है जी। उसके बावजूद दूध बेचता हूँ, बच्चों को पालता हूँ मैं। अच्छा, जब जब हिंदुस्तान में सतयुग से ला करके कलयुग तक आज ऋषि मुनि महात्माओं का योगियों का साथ हुआ है, तब तब हिंदुस्तान में राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट क्या, हिंदुस्तान के हिंदुओं का क्या, हिंदू वासुदेव कुटुंबकम के हाथ मजबूत रहे हैं। इस देश में और भी लोग रहते हैं ना, मुसलमान रहते हैं, सिख रहते हैं, सभी के लिए बोल रहा हूँ, आप समझ लीजिए। वासुदेव कुटुंबकम में सब आ गए, वासुदेव कुटुंबकम का मतलब समझते हैं आप? समझते हैं, उसमें सभी लोग आ गए ना, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, तो हाँ, तो आप सभी आ गए। आप तो ये कह रहे हैं ना कि योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं तब से हिंदू, मतलब हिंदुओं के लिए, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के लिए काम हुआ है, यही कह रहे हैं ना? होना भी चाहिए ना, अरे सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। मैंने वासुदेव कुटुंबकम भी लगा दिया बाद में। अरे तो वासुदेव कुटुंबकम तो आप दिखावे के सभी आगे दिखावे लिए क्यों लगा रहे भैया, सभी के लिए लगा दिया। हम बुलंदशहर में थे, एक मुसलमानों का गांव था, वहाँ यही कह रहे थे लोग, कह रहे थे कि ना हमारे यहाँ सिलेंडर मिला है हमको, वो चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, सब बकवास कर रहे हैं, वो कह रहे हमारे यहाँ सड़क नहीं बनी, सब बकवास कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी भाई ने बोला था हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था, वो ना मतलब या दिखावे के लिए करते रहो। बात दूसरी है, कौन से को रोका बीजेपी ने आके? योगी ने किसे रोका? मोदी ने किसे रोका होगा? यदि इतने विरोधी है तो राशन लेने के लिए मना क्यों नहीं कर देते? चाहे उन्होंने लागू, चाहे योगी की है, मुकेश की है, मना तो कर देते हैं, लेकिन मिले तो मिल ही नहीं रहा तो मना क्या करेंगे? क्यों नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, हर महीने मिल रहा, वो कहते हो कहने से क्या होगा? सर्वे किया है आपने? अभी यहां एक माता जी, आपने सर्वे किया है? आपने देखा था उस बाजार में? योगी जी, मोदी जी। दूसरी बात, मेरी बात सुनिए अब, अभी की बात है, अर्पणा यादव अखिलेश की, वो मुलायम सिंह की छोटी बहू आई, आशीर्वाद दिया है। अच्छा अच्छा, सब कुछ दिया उन्होंने, उनका कोई विरोध नहीं है। स्मृति ईरानी ने आज के पेपर में न्यूज उठाकर देखिए, आशीर्वाद लिया मुलायम सिंह जी से, तो वो मतभेद है, मनभेद नहीं है किसी के भी। हाँ, तो हाँ जी, ये मत नहीं, मनभेद नहीं होना चाहिए किसी का। ये बताइए, ये बताइए, यादव जी लोगों के लिए तो बदनाम है अखिलेश यादव? केवल यादव बदनाम है, कुछ नहीं है, उन्हीं के लिए करते हैं सब कुछ। अखिलेश की हम बताते हैं, अखिलेश गलत नहीं है, ना ही मुलायम सिंह गलत है, ना कोई पार्टी गलत होता है, ना कोई व्यवस्था, ना कोई संस्था गलत होता है। तो अगर गलत नहीं है तो उन्हीं कार्यकर्ता जो होते हैं कुछ लोग, ठीक है, वो गलत बना देते हैं। अच्छा, इस पार्टी की सर्वनाश कर दिया है केवल एक व्यक्ति ने। किसने? नाम नहीं खोलना चाहूंगा, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। नाम बोल दीजिए, नाम बोलने से आजम खान जैसे होना। अच्छा, आजम खान ने बर्बाद कर दिया, बीच में फाल कर दिया, बर्बाद नहीं सर्वनाश कर दिया, बिल्कुल नाश कर दिया। अन्य हम समाजवादी के थे पक्के, लेकिन इस समय व्यवस्था देखते हुए देश की, और देश की अर्थव्यवस्था भी है, सुरक्षा भी, COVID-19 के होने बावजूद भी जिस तरीके से मोदी जी ने निकाला है देश को, क्या उभारा है? हाँ, ये अच्छा, किसी के बस की नहीं था। क्या निकाला है? इतने सारे लोग मरे कोरोना में, इतने सारे लोग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिला, मर गए, सड़क पे मर गए। डीएम का वीडियो वायरल हुआ था, कहा कि लोग सड़कों पे मर रहे हैं, कुछ करिए। जब पिल्ला मैं दूंगा इस बात का, तुम्हारे पिल्ले आती है ना, मोदी को बचा सकता है ना कोई, उसे भगवान बचा सकता। तो आप पिल्ले एक तरफ महामारी थी, बचा रहे हैं, जो बचाने कोशिश तो की पूरी उन्होंने, उतनी परिस्थिति के होने के बावजूद हर घर को व्यवस्था दी, सब कुछ दिया। रही बात ऑक्सीजन सिलेंडर की, आकस्मिक घटना, आकस्मिक घटना का, आकस्मिक घटना का कोई उपचार नहीं होता है, ना एक कोई जादू छड़ी है कि टच कर दी और व्यवस्था बदल दी। समय लगता है। जो लोग दिल्ली से मुंबई से पैदल चलते आए, उत्तर प्रदेश दिल्ली से पढ़ा हुआ खबर, आए आए साइकिल से आए, पैदल चल के आए, उनके लिए ना मोदी ने बस लगाया, ना योगी सरकार ने बस लगाया,
जब मामला मीडिया में आया, जब बहुत सारे लोग ऐसे दिखने लगे जो साइकिल से चला के आ रहे हैं, घर पहुंच रहे हैं अपने, जब किरकिरी होने लगी तब ट्रेन चलाई गई, तब दुनिया भर की नौटंकी की गई, उसमें भी किराए वराए का नौटंकी नहीं कर सकते आप इसे। मैंने क्या किया, जादू की छड़ी नहीं है किसी के पास भी, जो ये कहता हो कि 100 साल की व्यवस्था में 1-5 साल बदल दूंगा, ऐसी कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट, कोई महापुरुष नहीं पैदा हुआ, कोई जादूगर नहीं होता। करा उन्होंने देर सवेर, करा तो सही नहीं, देर करा सवेर करा तो सही। और उसकी तो बात है, तो गवर्नमेंट की बात करें मोदी योगी जैसों की, सोनू सूद जैसों ने इतनी सहायता करी, हेल्प करी है बहुत, जैसा सोनू सूद ने करी तो ये क्यों नहीं किए, इन्होंने करा तो सही, क्यों नहीं करा, लजा पजा कुछ नहीं किया। आप मीडिया वाले हो, बाल की खाल निकालना जानते हो, बाल की खाल निकालना सीखो, खाल की बाल नहीं, बाल की खाल भी सीखो। आप क्वेश्चन कर रहे हो, जो जो हुआ हम वो बता रहे हैं, हुआ कि नहीं हुआ, पेपर पढ़ा होगा आपने तो पता ही होगा। एक बेटा माँ बाप का इलाज कराता है वो मर जाता, फिर भी आप ये कहते पहले क्या सो रहा तू, पहले क्यों नहीं बचाया इसे, मौत किसी के हाथ में नहीं है, हमने को कहा ही आप ये क्वेश्चन नहीं, मतलब तो वही है, बेचा होगा क्यों गर्म हो रहा है, मतलब तो वही है। आप कहने का ये कह रहे हैं कि योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, भाषा ऐसा काम करा है यहाँ पर ना, 5 साल से पहले सड़कों में गड्ढे थे, बड़े गड्ढे थे, बहुत बड़े, यहाँ खड़ंजा था। ये सड़क बने कितने साल हो गया भाई, 5 साल हुए योगी की सरकार के बाद में, 3-4 साल हुए। अच्छा, आते ही उन्होंने पहले सड़क बनवाई यहाँ पे, हमें पता ना क्या करा ना क्या ना करा, लेकिन जो ना हमारे खुश है योगी की सरकार से, खुश है सब लोग, योजना खुश है, पूरी गली में दो भी मिलेंगे। खेती करते हैं आप, खेती मेरे भैया करते हैं, भैया करते हैं, हाँ ये खेती करते हैं। खेत में जानवर आपको परेशान नहीं करते, जानवर क्या मोदी घर में न ला के छोड़ दिए योगी ना, किसान छोड़े, सुनो एक मिनट, एक अगर जानवर परेशान कर रहे उन्हें कटवा दे, मैं नहीं, नहीं। जिंदगी भर दूध काढ़ा हमने, उनको गौशाला में रख सकते हैं, गौशाला में है दूध हम पी रहे हैं, कितनी गौशाला, कितनी गौशाला है, हां ये क्वेश्चन, गौशाला यहां पे दो है, इसका जवाब मैं दूंगा, गौशाला दो है, लेकिन सुनो तो ये खेत में क्या कर रही है, तू दूध पी के आ चल अपनी मम्मी का, नहीं है गौशाला में, गौशाला वहाँ नहीं लगाए हैं, ये लगाए गौशाला में रखना है, या उन्हें भी कटवा देना है, उसकी कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये व्यवस्था कर रहे हैं भैया, मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन जो ना ये बता रहा हूँ मैं आपको,